फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मूंगफली चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ठंडी का सीजन हो और गुड़ से बनी रेसिपी हो तो फिर क्या कहना। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम मूंगफली लिया है। सबसे पहले हम इसे रोस्ट करेंगे। तो गैस पे हम कढ़ाही रख लिए हैं, कढ़ाही गर्म है, उसमें हम मूंगफली डाल के और स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। यानी कि जब तक ये छिलका उतरने लायक क्रिस्पी नहीं होता है तब तक हम इसे चलाते हुए भूनते रहेंगे। हमने मूंगफली को 7 से 8 मिनट तक भूना है। मूंगफली से चटकने की आवाज़ आने लगी है। फ्लेम हम कभी मीडियम कभी स्लो करके भूने हैं। अब हम आपको एक मूंगफली मैश के दिखा दे रहे हैं। इसके छिलके जो है आसानी से निकल जा रहे हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मूंगफली को चलाते हुए दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो हम मूंगफली को ऐसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाही गर्म है, आप चाहे तो पकड़ से या कपड़े से उसे डायरेक्ट उलट भी सकते हैं। मूंगफली को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसे ठंडा होने के बाद आपको छिलका उतारना बताएंगे। ठंडा होने पे हम आसानी से इसे मैसेंगे और छिलका एकदम निकल जाता है। तो अभी हम ठंडा होने देंगे। मूंगफली का दाना ठंडा हो चुका है तो हम इसे मैस के इसके छिलके हटा लेंगे। छिलका हटाना बहुत ही आसान है। हम इसे मुट्ठी में लेके ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो सारे छिलके आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे ही हम सभी दाने को साफ कर लेंगे। तो चलिए हम सबको साफ कर लेते हैं। हमने सभी मूंगफली के दाने का छिलका हाथ से मैश मैश के हटा लिया है। अब हम इसको छिलका से अलग कैसे करेंगे? तो ऐसे हम हल्का हल्का टैप करेंगे तो ये छिलका बहुत हल्की होती है, आगे के साइड आते जाएगी और हम इसे डस्ट में डाल देंगे। धीरे धीरे ऐसे टैप करेंगे और ये जो छिलका आगे आएगी उसे हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी छिलके को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम एक कोई भी चौड़ी पेंदी की ऐसी बर्तन लेंगे और मूंगफली को हल्का हल्का ऐसे क्रश कर लेंगे। क्योंकि हम मिक्सर में पीसते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही पाउडर बन जाता है। तो हम इसे दबाते हुए इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। तो हम सभी मूंगफली को ऐसे ही कर लेंगे। हमने मूंगफली को क्रश कर लिया है। अब चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने वही कढ़ाही साफ करके रख लिया है। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है। कढ़ाही को हम गर्म होने के बाद ये गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है क्योंकि हमारी मूंगफली का दाना भी 300 ग्राम था। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। अब हम एकदम स्लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट करेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से चिक्की पे चिकनाई आएगी और क्रिस्पी भी होता है। तो हम स्लो फ्लेम पे सबसे पहले गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है। गुड़ को हमने तेज फ्लेम पे 1 मिनट तक चाशनी को ऐसे पकाया है चलाते हुए। तो एक बार हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि अपनी चाशनी कैसी तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच से 1 ड्रॉप चाशनी में से लेंगे और 1 कटोरी में हम पानी लिए हैं।
उसमें हम चाशनी डालेंगे। फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चाशनी जो है अपनी अभी चिपक रही है, तो हमें ऐसी चाशनी नहीं चाहिए। थोड़ा देर और हम पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो एक बार हम और चेक कर ले रहे हैं चाशनी में से, फिर से हम डालेंगे पानी में, फिर हम चाशनी को निकालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसे तोड़ने पे ये टूट जा रहा है। चिक्की के लिए हमें ऐसी ही कड़क चाशनी चाहिए होती है। तो चलिए हम फ्लेम को अब ऑफ कर लेते हैं। अब हम चाशनी में ये मूंगफली के दाने को, जिसे हमने क्रश करके रखा था, उसे ऐसे डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सिंगदाना को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ऐसा आटा गूंदने वाला एक ट्रे लेंगे। ट्रे को थोड़ा सा घी से हम ऐसे ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा, अपनी चिक्की चिपकेगी नहीं, अच्छे से निकल आएगी। तो हम अच्छे से इसे ग्रीस कर लिए हैं गर्मा गर्म। चिक्की के पेट को इस पे डाल देंगे। हमने सभी पेस्ट को इस पे ले लिया है। अब हम इस पे एक प्लास्टिक का कवर रखेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे दबाते हुए फैला लेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और एक बेलन लेंगे, बेलन की मदद से हल्के हल्के हम इसे ऐसे बेलेंगे। एकदम हल्के हाथों से हमें बेलना है। आप देख सकते हैं हमने चिक्की को अच्छे से ऐसे बेल लिया है। अब हम गर्मा गर्म इसे नाइफ से कट लगाएंगे। तो हमें जितनी बड़ी साइज की चिक्की की कट लगानी है, गर्मा गर्म ही लगा देंगे, नहीं तो ये ठंडा होने पे कटता नहीं है। तो ऐसे हम इसे एक चेक्स का शेप देंगे। हमने चिक्की में कट लगा लिया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे। चिक्की अपनी ठंडी हो चुकी है। अब चलिए हम इसे निकाल के दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले किनारे वाली चिक्की को उठाएंगे। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चिक्की तैयार हुई है। हम एक तोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी, तोड़ने पे कट से आवाज आ रही है। तो और ठंडा होने के बाद हम प्लेटिंग करके आपको दिखा देंगे। मूंगफली चिक्की बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने बच्चों के लिए ताजी ताजी मूंगफली चिक्की घर पे बनाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।